ये मूंग उड़द और चना दाल की कोफ्ता करी या रिकवच या दाल की कढ़ी जो भी बोले, तो ये बन के अपनी रेडी है। तो इसको आप रोटी चावल किसी के भी साथ खाएं, बहुत बढ़िया लगती है। तो ये बढ़िया सी अपनी ये सब्जी और दाल दोनों बोल सकते हैं इसको, दोनों का काम करती है। तो बढ़िया सी अपनी यम्मी डिश बन के रेडी है, रेडी टू सर्व। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं, हैव अ नाइस डे। आज बनाएंगे मूंग की छिलके वाली दाल, उड़द दाल और चना दाल क्या कोफ्ता करी या रिकवच, जिसको मैंने ये दाल को 7-8 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और अब ये अच्छे से फूल गई है और इसको दर दरा क्रश कर लेते हैं। ये है अदरक, हरी मिर्च, अब इसका अपने पीस के थोड़ी पेस्ट बना लेंगे कोफ्ता करी में डालने के लिए। ये कोफ्ता के लिए अपने ये मैंने बैटर रेडी कर लिया है और अब अपने इसको फ्राई कर रहे हैं। और इसको मीडियम आंच पे फ्राई होने देंगे। ये दाल के कोफ्ते को अपने पानी में पहले तो डाल देंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाए और कढ़ी बाद में फिर गाढ़ी हो जाती है, और ऐसे पानी में डालने के बाद कढ़ी अच्छे से बनी रहती है। ये अपना मसाला भून गया है अच्छे से। अब इसमें पहले तो अपने ये थोड़ी दाल जो बचाई है कोफ्ते के लिए दाल वो है वो डाल देंगे, और इसके अंदर बचे हुए इसमें जो दाल का पानी निकला था मिक्सचर में पीसते टाइम, तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और इसको डाल देते हैं कढ़ी में और आँच कर देते हैं फास्ट, एक बार इसको हिला देते हैं और इसको आपको जितनी ठीक रखनी हो उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब कढ़ी में नमक डाल देंगे, नमक स्वादानुसार, और कोफ्ते में तो ऑलरेडी नमक है इसलिए नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालें, ऐसे भी नमक जब भी खाएं कम ही खाएं। अभी इसको अब अपने थोड़ी देर कुक होने देते हैं, पहले इसको एक बार चला लेते हैं और अब इसको ढक के कुक होने देते हैं। अब अपने एक कढ़ी चेक करते हैं, देखिए अपनी कढ़ी बढ़िया सी बॉईल हो चुकी है और इसका देखिए इतनी थिकनेस इतनी है, अभी पड़े पड़े थोड़ी और भी ठीक हो जाएगी। और अब अपनी इसमें ये जो कोफ्ते थे पानी में भिगो के रखे थे वो अब इसमें डाल देंगे, तो इससे ये कोफ्ते भी सॉफ्ट बने रहते हैं और ये कढ़ी में का पानी भी वो सोक नहीं करता है, तो कढ़ी का भी अपनी जो टेक्सचर है जैसा है वैसा ही बना रहता है। तो बस ये अपनी कढ़ी अब कुक होके रेडी है। अब अपनी कढ़ी में डाल देंगे कुछ फ्रेश धनिया पत्ती, तो ये देखिए अपनी बढ़िया सी दाल मूंग उड़द और चना दाल की कढ़ी या रिकवच या कोफ्ता करी जो भी बोलो, तो वो बन के रेडी है। अभी आप चाहे तो इसमें एक तड़का मार सकते हैं, मैं भी अभी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसमें एक और तड़का लगाते हैं। बस रेडी हो गई है अपनी कढ़ी। ये कढ़ी में दूसरा तड़का मारने के लिए मैंने ये तड़के के पैन में तेल गरम कर लिया है, तेल मेरा गरम हो गया है और अब उसमें अपने ये डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तुरंत इसके ऊपर ग्राइंड कर देते हैं
और इसका पूरा बंद कर देते हैं ताकि। अभी अपनी करी पे दूसरा तड़का लग के तैयार है और अब इसके ऊपर डाल देते हैं बढ़िया सा फ्रेश धनिया। ये हरी धनिए से इसकी खुशबू और टेस्ट और लुक सब बढ़िया सा हो जाएगा। तो ये गया अपना धनिया। तो ये बढ़िया सी अपनी यम्मी टेस्टी डिलीशियस और हेल्दी डिश बन के रेडी है। ये दाल और सब्जी दोनों का काम करती है। तो बस इसको आप रोटी पराठा या चावल किसी के भी साथ खाए बहुत बढ़िया लगती है। और देखिए मैं इसका टेक्सचर आपको चला के दिखाती हूँ। देखिए इसकी थिकनेस ये, और ये अपने कोफ्ते भी एकदम बढ़िया से सॉफ्ट है। मैं एक कोफ्ते को देखिए आपके सामने ही ये स्पून से कितने आसानी से ये कट गया। तो एकदम बढ़िया से सॉफ्ट कोफ्ते भी हैं। तो ये अपनी यम्मी टेस्टी कोफ्ता करी बन के अब रेडी है, रेडी टू सर्व। फाइनली ये अपनी कोफ्ता करी या रिक्वच बन के रेडी हो गया है, रेडी टू सर्व। ये अपनी कोफ्ता करी को मैं सर्व करूँगी राइस के साथ। तो ये अपने सर्व करते हैं बढ़िया सी कोफ्ता करी और राइस। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़ोरदार है, बहुत बढ़िया टेस्टी यम्मी। और ये देसी खाना इसी तरह से देसी तरीके से खाएं तो एक अलग ही मज़ा आ जाता है। बस इसको थोड़े से धनिया पत्ती से गार्निश करते हैं। तो बढ़िया सी अपनी ये कोफ्ता करी रेडी है, रेडी टू ईट चावल के साथ खाने के लिए। और आज मैंने साथ में दही बड़े भी बनाए हैं। तो ये बहुत बढ़िया परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो अपने एंजॉय करते हैं। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक यू।